Hello students, this is class 8 and now we are continue our chapter number 1 of physics, which name is force and pressure. So students, here we already discussed about the force and now we are going to start the pressure. So students, we already done the let's try 4 and now we are move ahead and the topic is pressure exerted by liquid. जो pressure है वो liquid में कैसा exert होता है. Students, before starting this chapter, I just want to tell you that जो pressure है ना students, उसका effect जो है वो liquid में किस तरीके से होता है. अगर हम लोग fountain की बात करें या फिर अगर हमारे सामने कोई भरी हुई bottle रखी हुई है, ठीक है, अगर आपने कोई bottle को fill up कर दिया और अगर आप उसमें 3 होल्स करो, फर्स्ट होल जो है वो उसके टॉप में करिए, सेकंड होल उसके मिड में करिए, जैसे कि ये बॉटल, यहाँ पे एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है, ये इस तरीके से एक बॉटल है, यहाँ पे ढक्कन है उसका, तो एक होल आप यहाँ पे करिए, सेकंड होल इसके मिड में एंड थर्ड होल एकदम इसके सरफेस में करिए. और फिर आपको ये बताना है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा ए में, बी में रहेगा, या फिर वो जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर बन रहा है वो सी में रहेगा. ऑफ कोर्स जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है ना वो बॉटम में रहता है. ओके, चाहे वो किसी भी मॉडल की या फिर किसी भी साइज़ की वो बॉटल हो, या राउंड शेपेड हो, या फिर वो ऐसा इस टाइप से ट्रायंगल शेपेड हो, या फिर ये इस टाइप से ऐसे कुछ शेप हो, ठीक है, उसका सरफेस या ज़्यादा वाइट हो या लेस वाइट हो, बट जो सबसे ज़्यादा प्रेशर बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ऑलवेज इसके सरफेस में बनेगा, इसकी बॉटम में बनेगा. ओके, तो यही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अनदर चीज़ ये है कि देखिए, यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन दिख रहा है, तो ये जो पानी है वो कितने ऊपर जा रहा है. ऑफकोर्स इसमें नीचे में इसके होल्स होंगे, जो इसका सरफेस है, लैंड जो बना हुआ है, लैंड मास, इसमें क्या होगा, इसके होल्स किए होंगे और नीचे से कुछ ना कुछ प्रेशर उसमें दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये जो वाटर है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर में उठ रहा है. ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोगों ने कुछ पेशेंट को देखा होगा, तो पेशेंट्स में उन लोगों को बॉटल लगाई जाती है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह की जो बॉटल लगाई जाती है, तो उसको एकदम उल्टा टांग दिया जाता है उसको, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और एक सिरिंज उसमें लगा दी जाती है उसके थोड़ा सा डाउन पार्ट में, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि डाउन में ही, मैंने आप लोगों को बताया है, जो किसी भी चीज़ का अगर बॉटल को हम उल्टा रख रहे हैं तो इसके जो ढक्कन वाला जो पार्ट है, कैप वाला पार्ट, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वही वो बॉटल में भी क्या हो जाता है, प्रेशर डाउन साइड में ज़्यादा बढ़ जाता है और सिरिंज यहीं पर लगाई जाती है, ठीक है, और उसमें एक पाइप ले लिया जाता है जो हमारी वेन से कनेक्ट कर दिया जाता है. तो ये होता है किसका, प्रेशर का इफेक्ट होता है लिक्विड में, और काफ़ी सारे इसके इफेक्ट है लिक्विड को लेके, जो हम लेसन में पढ़ेंगे, देखेंगे वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू सीन वाटर कमिंग आउट विथ अ ग्रेट फोर्स फ्रॉम अ वाटर फाउंटेन. क्या आप लोग ने कभी देखा है स्ट्रेंस, मतलब कि जो वाटर है वो फाउंटेन का, वो इतने प्रेशर से आता है, तो क्या आप लोग ने कभी इस चीज़ को देखा है या फिर ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को. What is the basic principle of water fountain? तो इसका जो basic principle है वो क्या होता है. Of course इसका जो basic principle है वो किसको लेके पढ़ने वाले हैं हम लोग students, pressure को लेके पढ़ने वाले. तो देखिए यहाँ पे एक fountain दिख रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, observe कर सकते हैं कि ये fountain का जो पानी है वो कितनी clearly कितने ऊपर तक के उठ रहा है. अब देखते हैं हम इसका जो basic जो principle है वो क्या है. इट इज़ बिकॉज लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर. देखिए मैंने आपको कहा था ना, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किसके आसपास घूमेगा स्टूडेंट्स, प्रेशर के आसपास में घूमेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ से इसके बॉटम से प्रेशर दिया जा रहा है, दैट्स वाई वो जो लिक्विड है वो इतना ज़्यादा हाई उठ पा रहा है. ओके, सो ऑल लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर एट द बॉटम एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट लिक्विड प्रेशर. अब हम लोगों को ये देखना है स्टूडेंट्स, लिक्विड प्रेशर क्या होता है. सो लुक एट हियर, प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड, मतलब कि वो प्रेशर जो लिक्विड में से एग्जर्ट हो रहा है उससे क्या कहा जाता है, लिक्विड प्रेशर कहा जाता है. ओके, टू द वेट ऑफ द लिक्विड इन द विसल और कंटेनर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड द फीलिंग ऑफ बींग प्रेस्ड इन अ स्विमिंग पूल. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लिक्विड प्रेशर. ओके, मतलब कि जब आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, फिर इस टाइप का कोई मतलब कि वहाँ पे कोई कंटेनर रखा होता है जो फिल करा होता है, जिसमें आप लोग बैठते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप बोट में बैठ के जा सकते हैं, और उसमें एक प्रेशर बन जाता है जो उतने पानी को, उतने लिक्विड को हटा देती है, और ईजिली आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हो. सेकेंड है, इन दिस केस लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड एंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द विसल.
मतलब कि देखिए ये जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कि वो जो वाटर है वो उसने कितना एरिया को कवर किया हुआ है, या फिर वो जो वाटर है उसका वेट कितना है. ओके, तभी उसके अकॉर्डिंग ही उसके हिसाब से जो प्रेशर है वो उसमें लगाया जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर बहुत कम है और आप उसमें बहुत बड़ी सी टाइटैनिक टाइप की बोट को उतार दो और वो उसका प्रेशर है. नो, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, उसमें तो बोट जो रहेगी वो पूरा लैंड में ही बैठ जाएगी. सो जितना बोट का वेट रहेगा उससे डबल ट्रिपल या फोर टाइम ज़्यादा वाटर का वेट रहना चाहिए, उसका एरिया इतना बड़ा रहना चाहिए, तभी वो लिक्विड प्रेशर के अंदर में काउंट होता है. ओके अच्छा, ये मोनोमीटर क्या होता है? देखिए, इन दिस केस लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ लिक्विड एंड द एरिया और बेस ऑफ द वेसल. लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड विद अ डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर. व्हाट इज मैनोमीटर? द डिवाइस टू मैनोमीटर लिक्विड प्रेशर. अब इसको भी लिक्विड प्रेशर ही बोल रहा है वो, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया एरिया को लेके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर. जो लिक्विड प्रेशर होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो यहाँ पे जो सिंबल्स बने हुए हैं, जो डायग्राम्स बने हुए हैं, हम लोग उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कोई भी कंटेनर जो पानी से भरा हुआ है और अगर उसमें कोई होल कर दिया जाता है तो वहां से कितना प्रेशर उसको मिल रहा है. अब प्रेशर इसको कहाँ तक के मिलेगा? यहाँ से लेके इस होल तक के मिलेगा. उसके बाद क्या इसको प्रेशर मिलेगा? क्या पानी ऊपर में जाएगा? हाँ, अगर नीचे से इसको प्रेशर मिलता है तो पानी ऊपर में उठ के इस होल से बाहर आ सकता है. बट फिलहाल में जो इसको प्रेशर मिल रहा है वो यहीं से, इतने ही एरिया से, इतने ही एरिया के बीच में उसको मिल रहा है. तो जब वाटर यहाँ तक के आ जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बहना बंद हो जाएगा. फिलहाल में उसको ऊपर से प्रेशर मिल रहा है, दैट्स व्हाई जो वाटर है वो क्या हो रहा है? लीक हो रहा है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है देखते हैं. लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. जो लिक्विड है ना उसका जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन से बनता है. ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया तो वो सिर्फ यहीं से आएगा. अगर मैं इधर पे होल्ड करती हूँ तो वो यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जितने भी होल्ड कर दूँ तो ये जो प्रेशर है वो चारों तरफ से उसमें बनने लगता है. लिक्विड मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड विथ द साइड्स ऑफ द कंटेनर. बाय दिस दे एग्जर्ट प्रेशर ऑन ऑल. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइड्स ऑफ द कंटेनर. इफ अ बॉटल हैज अ होल देन अ जेट ऑफ वाटर कम्स आउट ऑफ इट. देखिए, अगर हम लोग इतने होल्स में कर देते हैं, सॉरी ये सेकंड वाला है. नेक्स्ट वाला देखते हैं ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एक्सपीरियंस लिक्विड प्रेशर. जितने भी जो एक्वेटिक मतलब कि जो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन लोगों को इस चीज़ का क्या होता है, प्रेशर का एक्सपीरियंस होता है, तभी तो वो उसमें सर्वाइव कर पाते हैं अच्छे से. ओके, तो देखते हैं. और इसीलिए वो हमेशा वाटर जिस डायरेक्शन में बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, तैरते हैं, स्विम करते हैं. ओके, तो देखते हैं इसमें लिक्विड एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट ऑल पॉइंट एट द सेम डेप्थ. जो लिक्विड है ना उसका इक्वल प्रेशर रहता है, मतलब कि उसकी गहराई के अकॉर्डिंग उसका प्रेशर रहता है, जितनी गहराई उतना ही उसका प्रेशर. इट अ बॉटल हैज़ होल्स एट द सेम लेवल. अगर जो बॉटल का जो होल है उसके सेम लेवल में रहेगा देन वाटर कमिंग आउट ऑफ दिस होल्स वॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. तो जितने डिस्टेंस में होल रहेगा उतने डिस्टेंस तक के वाटर क्या करेगा, आएगा और फिर बहना शुरू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विड प्रेशर. नेक्स्ट लिक्विड प्रेशर वेरियस विथ डेप्थ. अगर हम लोग उसके डेप्थ में प्रेशर करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा. सो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ. दिस मींस प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज अ हायर देन दैट इज द टॉप. मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ इसके डेप्थ में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी थ्री अगर इसमें होल्स कर दिए तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहेगा वो यहाँ के इसके डाउन पार्ट में रहेगा, मतलब कि बी और सी में रहेगा. तो यहाँ पर भी वो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को यही चीज़ बता रहा है एक्चुअली कि अगर हम लोग इसके डेप्थ में प्रेशर होल करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहेगा वो यहीं पर रहेगा. ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड एरिया ऑफ द कंटेनर. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि जो प्रेशर रहता है लिक्विड का प्रेशर, स्पेशली हम लोग क्या टॉपिक की बात कर रहे हैं, लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो लिक्विड का जो प्रेशर रहता है ना वो ये नहीं दिखता कि पर्टिकुलर जो एरिया है उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है,
उसका बॉटम का शेप क्या है, उसकी मतलब कि जो सरफेस है उसका शेप क्या है, ये सब चीज़ नहीं। यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स बनी हुई है। यहाँ पे देखिए इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है इसके कंपेयर में एंड इसके कंपेयर में, बट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इन तीनों का जो प्रेशर है ना स्टूडेंट्स, ये तीनों के जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, सेम है। ओके, अगर मैं यहाँ पर भी होल करती हूँ तो वो उतने ही प्रेशर से पानी नीचे आएगा जितने प्रेशर से वाई में होल करने पर पानी नीचे आता है, और उतना ही प्रेशर से जेड से भी नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस लिक्विड का जो प्रेशर है सरफेस एरिया में बॉटम एरिया में वो क्या होता है, इक्वल रहता है, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ या फिर यहाँ की बात करूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड एरिया ऑफ कंटेनर। जो मैंने आप लोगों को बताया ये भी वही बोल रहा है कि जो लिक्विड प्रेशर है वो डिपेंड बिल्कुल नहीं करता कि कोई भी एरिया का, कोई भी कंटेनर का साइज क्या है, शेप क्या है। एज लिक्विड प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, ये डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है वो कितने गहराई तक के गया है। फॉर मोर देन ऑफ कंटेनर कंटेंट कनेक्टेड एट देयर बेस, मतलब कि कितने दूरी तक के वो जो कंटेनर है ये जो कंटेनर है इसने अपनी जो दूरी है इसके बेस में बनी हुई है, ठीक है, इसका जो बेस है वो कितने नीचे तक के बना हुआ है, इस चीज़ पे उसका प्रेशर डिपेंड करता है। द लिक्विड प्रेशर इज इक्वल एट द बॉटम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड एरिया, दैट इज वाई लिक्विड ऑलवेज हैव सेम लेवल इन ऑल कंटेनर्स कनेक्टेड एट देयर बेस। So that is why liquid always have same levels in all containers. तो जो liquid है ना वो क्या होता है, हमेशा same level होता है उसके container में जिससे वो connect हुआ रहता है। तो इस paragraph को पढ़ने के बाद हम लोग सिर्फ यही conclusion निकालते हैं इसका, या फिर अगर मैं summary की बात करूँ तो वो यही निकालना चाहता है, यही बोलना चाह रहा है कि अगर container कोई भी size का हो, ठीक है, कंटेनर कोई भी साइज का हो, उसका बॉटम किसी भी साइज का हो, चाहे वो ज़्यादा वाइड हो चाहे वो ज़्यादा लेस वाइड हो, बट यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो डाउन साइड में बनेगा, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो इमेज आप लोगों के सामने शो हो रही है आप लोग उसमें देख सकते हैं। ओके, सो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी स्ट्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, इसीलिए ये कहा जाता है जो लिक्विड प्रेशर है वो बिल्कुल भी कंटेनर के साइज और शेप में डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी डेप्थ में डिपेंड करता है कि उसकी गहराई कितनी है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव इट और हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे अगर लास्ट जो पेज था जो हमने पढ़े थे उसमें हम लोगों ने एक्वेटिक एनिमल की बात की थी कि उन लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जो वाटर है उसका प्रेशर कितना होता है, क्योंकि उन लोग उसमें तैरते हैं, ठीक है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप लोग भी इस वाटर की डेप्थ का या फिर लिक्विड का प्रेशर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो लिक्विड है उसका प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। अब यहाँ पे एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो उसको स्कूबा ड्राइवर्स कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उसने स्पेशल सूट पहना हुआ है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल कपड़े में वो वहाँ पे नहीं निकल गया, कोट पैंट पहने या जीन्स टी शर्ट पहने वो उसमें नहीं निकल गया। अगर उसको वाकई में पानी का प्रेशर देखना है तो बकायदा उसने उस टाइप का सूट पहना है, ड्रेसअप किया है, देन वो पानी में स्कूबा ड्राइवर के लिए निकल गया है। सो दिस इज बिकॉज लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विथ द डेप्थ, क्योंकि जो लिक्विड है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है, डेप्थ में होता है। और अगर आपको पानी की इतनी नीचाई में इतनी डेप्थ में जाना है तो आपको उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स, है ना। सो विच मे क्रश देम, दिस स्पेशल सूट हेल्प्स देम टू विटनेस हाई लिक्विड प्रेशर एट द डेप्थ टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम बिगिनिंग क्रश। तो देखिए अब इतने नीचे में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी जो क्रश होंगे वो आपके ऊपर में आएंगे, जितने भी जो छोटे छोटे स्टोन्स होंगे वो आपके ऊपर में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, है ना। तो इन सब से बचने के लिए जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो ये स्पेशल सूट को पहनते ताकि वो अपने आप को, अपनी बॉडी को, ठीक है, अपने बॉडीज के हर एक पार्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। दैट्स व्हाई लोग ये सूट को पहनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डैम हैव ब्रॉड बेस, तो यहाँ पे एक ब्रॉड ऐसा बेस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है देखते हैं, डैम आर बिल्ट ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो एट द टॉप टू विटनेस हाई लिक्विड प्रेशर एंड द बॉटम।
क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रेशर है, जो पानी है जो इतने प्रेशर से आता है यहाँ पे, तो इसका जो बॉटम है ये इतना ज़्यादा ब्रॉड इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो पानी का प्रेशर है वो इसके प्रेशर से मैच कर जाए, या फिर इतना ये जो प्रेशर है वॉल उसके प्रेशर को सह जाए, बियर कर पाए। क्यों? क्योंकि जब पानी आता है तो जो पानी है देखो ये उसका लेवल यहाँ तक भी आ सकता है और इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये कब होगा? जब इसका जो बॉटम है, जो इसका जो बेस है वो ज़्यादा ब्रॉड हो, वो ज़्यादा मजबूत हो, ताकि वो पानी के जो प्रेशर है, उसके जो बहाव है, उसको क्या कर सके? बियर कर सके। तभी तो ये चीज़ को क्लियर कर पाएगा ना स्टूडेंट्स। इसीलिए जो ये कोई भी जो बनाए जाते हैं, जो पुल बनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक पुल बना हुआ है। ओके, आई एम शोइंग यू हियर। सो यहाँ पे एक पुल बना हुआ है जिसका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है ना। तो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमारा जो पुल है वो सर्वाइव कर सकता है भारी बारिश में भी, हैवी रेन में भी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि जब भी मतलब सलाइन वगैरह लगाई जाती है या बॉटल लगती है उसमें ग्लूकोज वगैरह किसी पेशेंट को लगाया जाता है, तो ये इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में क्यों करा जाता है? खैर ये अपोजिट डायरेक्शन तो इसलिए ताकि इसको यहाँ से हैंग आउट किया जा सके और यहाँ पे डाउन में इसकी जो पाइप है उसको लगा सके, बट एटलीस्ट इसको अपोजिट करने का और यहाँ से सिरिंज को लाने का काम ही यही रहता है, क्योंकि इसका जो बॉटम है यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर ज़्यादा है। अब प्रेशर ज़्यादा होने से जो सिरिंज यहाँ से डाली गई है उसके थ्रू ये क्या होगा? पाइप के थ्रू हमारी वेन्स में जो कनेक्टेड रहता है उसके थ्रू वो नीचे आ जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया? अच्छा हाँ, इसमें एक सिरिंज से होल कर दिया जाता है। क्यों? ताकि उसमें एयर जाए और जितनी भी जो एयर है वो बाहर निकल सके और उसका प्रेशर बन सके। तो ये काम होता है लिक्विड के प्रेशर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक सबमरीन दिया हुआ है। सो द प्रेशर ऑफ द वॉटर इन डीप सी इज ट्रिमेंडसली हाई, देयरफॉर द बॉडी ऑफ द सबमरीन इज मेड थिक एंड बिल्ट बाय स्ट्रॉन्ग मटेरियल withstand high pressure under water। तो देखिए ये जो सबमरीन है ना, ये भी इसमें क्या किया जाता है, ये एक अलग मटेरियल से बनाया जाता है और ये इतना हैवी होता है ताकि ये जो वाटर है इसके प्रेशर में सर्वाइव कर जाए। अच्छा एक बात हम लोग ने ये पढ़ी थी कि जो वाटर है इसका एरिया भी डिपेंड करता है। अब ये जो सबमरीन है इसको क्या लोएस्ट वाटर में या फिर कोई भी तालाब में हम लोग बना सकते हैं? जो छोटा मोटा तालाब रहता है, जो पॉन्ड रहता है उसमें हम लोग बना सकते हैं? ऑफकोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये बड़ी बड़ी झीलों में, नदियों में, ओशियंस में, वहीं पर ये सबमरीन बनाए जाते हैं। ओके, और एक स्पेशल मटेरियल से ये चीज़ बनाई जाती है जिससे क्या हो सके, ये वाटर में सर्वाइव कर सके और उतने एरिया को कवर कर सके ताकि ये वाटर का जो लिक्विड का जो प्रेशर है उसको क्या कर सके? बियर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हम लोगों ने देखा एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर इन अवर डेली लाइफ, एंड सेकंड जो हम लोगों का टॉपिक था वो था प्रेशर एग्जर्ट बाय लिक्विड्स। सो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देन इसके बाद अब हम लोग करेंगे इसके लेट्स ट्राई 5। सो स्टूडेंट्स, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। सी यू सून विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।